मार्केट इज काइंड बोल के सुना था, लेकिन लिटरली मार्केट ने आज के दिन अपना काइंडनेस दिखा दिया और सोचा कि वीकेंड है, जितना पैसा कमाना है कमाना हो। फुल मूड में आ गया भाई लिटरली आज के दिन मार्केट। और जो लोग मेरे फ्री वाले ग्रुप पे जुड़े थे उनके लिए ये कोई जैकपॉट से कम नहीं था, ये कोई इनक्रेडिबल डे से कम नहीं था। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं दोस्तों, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए भाई। प्री प्लांटेड था, ऐसा लगा कि भाई मतलब हमें भाई कटोरे पे यार खाने के लिए बस मार्केट खुद ही आके दे दिया कि भाई तुम खाओ, जितना खाना है तुम खा लो। और वही हुआ मार्केट खुलने से पहले 8:34 पे, क्लियरली आप देख सकते हैं सब कुछ प्री प्लांटेड था भाई। क्लियर कट में बोल दिया था मार्केट खुलने से पहले कि मार्केट अगर खुला और 22,201 टूटा तो पहला टारगेट ये, सेकेंड टारगेट ये, क्लियर है मार्केट खुलने से पहले मैसेज है। बैंक निफ्टी का भी लेवल दिया था, मार्केट खुलते ही अगर 46,992 था तो पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, भाई साहब। उसके बाद आप देखो यार, जैसे ही मार्केट खुला और पूरे के पूरे निफ्टी का आप लेवल देखिए, खुलते ही मेरा पहला लेवल टूटा, पहला टारगेट हिट, सेकंड टारगेट हिट, थर्ड टारगेट हिट, और 300 पॉइंट का तो आगे जाके मूवमेंट दिया है। और जो बैंक निफ्टी का लेवल था दोस्तों वो भी देखिए यार, मस्त प्लेस में आज के दिन मार्केट खुला था। कल जो जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था ना कि चार बार रेजिस्टेंस है, अब तो ब्रेकआउट देते हैं, कॉल खरीदना है, वही हुआ यार। और लेवल देखिए, एक एक सेंटीमीटर भी मैंने कहीं ना कहीं ड्रॉइंग चेंज नहीं किया, जो लेवल है डॉट वही ड्रॉइंग है। मार्केट खुला, लेवल टूटा, पहला टारगेट, सेकंड टारगेट बाद में हिट हो गया, आप जाके देखिए। एक एक ब्लॉकबस्टर में कहना चाहूंगा, और कहने के लिए कुछ नहीं है लिटरली यार, वर्ड्स नहीं है आज के दिन। क्यों मैं खुश हूं, क्योंकि यार सब कुछ प्री प्लांटेड था। एक 5 साल का बच्चा ही पैसा कमा सकते हैं आज के मार्केट में, इतना आसान था सब कुछ, तो यार सेटअप था और कुछ भी करना नहीं था। ब्रेकआउट किया, कॉल खरीदो, ब्रेकआउट किया, कॉल खरीदो, और टारगेट पे टारगेट, टारगेट पे टारगेट। इवन क्वालिटी वाले ग्रुप पे भी दोस्तों 47,200 का कॉल 365 पे बाय करने को दिया था, सिर्फ 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने दिया था। सिर्फ 25 पॉइंट के एसएल के साथ 170 पॉइंट हमने अचीव किया है, 365 से वो 532 चला गया, और हर एक पर्सन आज के दिन पैसा कमा के रखे हैं। 6000 से ज्यादा छाप लिए दोस्तों मेरे कॉल पे 47,200 के कॉल में। यहां पे आप देख सकते हैं 3400 से ज्यादा छाप लिए 47,200 के कॉल में, यहां पे भी 3000, यहां पे भी 4000, तो जाके फ्री वाले ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। मंडे के दिन बैंक निफ्टी, निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में क्या होने वाला है, वन सेकंड मिड कैप नहीं, फिन निफ्टी में क्या होने वाला है देखने वाले हैं। आप बोलोगे फिर मिड कैप निफ्टी को भूल गए, क्या रिश्ता निभाते हो यार, नहीं भूल सकता मैं। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। ऑलरेडी मैं मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल वीडियो डाल चुका हूं 5:15 पे, ये तो सेकंड वीडियो है, इसीलिए मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन प्रेस नहीं करते, देख के आप सीधे चले जाते हैं तो यार बुरा लगता है, और फिर आपके पास वीडियो आ नहीं पाता, आप देखना भी चाहते हैं तो भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो यार सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और एक लाइक बनता है, इतना सब कुछ मैंने दिया दोस्तों, एक लाइक आज के लिए बनता है। कमेंट कीजिए जो भी आपने कॉल पुट होल्ड किया, मैं रिप्लाई जरूर दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी से। बेस्ट डे था यार, पूरा अप मूव, आखिर में डाउन मूव, धमाका में कहना चाहूंगा आज के दिन, कमा कमी नहीं हुआ मोमेंट का। तो अगर मैं कल लाइक मंडे के दिन की बात करूं, सबसे पहला व्यू दोस्तों, आखिर का जो डाउन मूव था वो ट्विस्ट लेके गेम में चला आया है। अगर मंडे के दिन मार्केट फ्लैट गैप डाउन खुल के थोड़ा सा साइडवेज होके अगर 46,954 वाला लेवल को ब्रेकडाउन कर देता है, तो यहां से दोस्तों कहीं ना कहीं हमें अगेन यस डाउनफॉल का ही मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर मंडे के दिन 46,954 का लेवल ब्रेकडाउन करता है तो इसके पीछे रीजन मैं आपको बता देता हूं, रीजन सिंपल है। यहां से अगर आप देखोगे, क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूं, एक बार दोस्तों इसी ट्रेंड लाइन को टच किया था, अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंट दिया था, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बार अगर आप देखोगे दोस्तों, प्रॉपर इसी ट्रेंड लाइन को यहां पे टच किया था, अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंट दिया था, और भी अच्छी बात है, आज के दिन की ही बात है। तो क्लियर कट आप देख सकते हैं कि दो बार इसी ट्रेंड लाइन को टच करके कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ऊपर गया था। और कल के दिन का ही लेवल है भाई, आपको एक बात बोलूं, नहीं सच में बोल दो, झूठ क्यों बोलूंगा, ये जो ड्राइंग आप देख रहे हैं ना, आपको सच्ची में लगता है मैं कुछ चेंजेस किया हूं? सच बात बता देता हूं, मैं इसको रिमूव नहीं किया था, ठीक है। तो मार्केट जब कहीं ना कहीं ऑफ हुआ, तो यार मैं सोचा कि चलो यार अब अच्छा ड्राइंग बना के मैं कहीं ना कहीं करता हूं, एनालिसिस भी करना है। तो जैसे ही मैंने यही ड्राइंग देखा दोस्तों, जो सुबह का ड्राइंग था वही है यार, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, आप खुद चेक कर लीजिए। तो मैं देखा कि यार ड्राइंग तो पहले से है, मैं सोचा कि क्यों बेकार में मेहनत करूं, उसी को ही एक्सप्लेन कर देता हूं जो कि आपके सामने कर रहा हूं। ये सुबह का ड्राइंग है,
46,990 ब्रेक किया, 47,231 ये टारगेट था। आप क्लियरली जाके देख सकते हैं दोस्तों, सेम ड्राइंग है, मैं आपको सच बोल दिया। क्लियरली आप देखिए सेम लेवल है, 47,263, सेम पूरे के पूरे सेम ड्राइंग में चेंज भी नहीं किया यार, जरूरत ही नहीं पड़ा ना, जरूरत ही नहीं पड़ा। प्रॉपर लेवल ब्रेकआउट किया टारगेट, और ये देखो ये वही तो मैं बोल रहा था कि सेकंड लेवल ब्रेकआउट किया, थर्ड टारगेट मारा, और जैसे ही मेरा थर्ड लेवल टच किया, आपको यकीन नहीं आ रहा है, 47,463 रेजिस्टेंस था, यही जोन था, और ये तो मैं मार्केट खुलने से आप देख लीजिए सुबह 8:35 पे दिया था, ये देखो 47,463 टॉपिंग वही है, यहां से फिर मार्केट गिर गया आखिर में, तो सब कुछ तो था। मैं सोचा कि क्यों मेहनत करूं भाई, जैसा है वैसे के वैसे रहने देता हूं, तो फिर आपको यकीन हो कि लिटरली यार डॉट टू डॉट काम करता है लेवल, तो क्लियरली आप देख सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है दोस्तों, अगर मंडे के दिन लाइक ये आप देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं पहले रेजिस्टेंस था, कई बार 4-5 बार टेस्ट हो चुका था, और कल के दिन तो वीडियो में भी बोला था मैंने कि अगर कल फ्लैट खुला, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया तो कॉल बाय करेंगे, जो कि हुआ। तो अब ये तो पहले रेजिस्टेंस था, आज के दिन तो ब्रेकआउट दे चुका है, तो अब ये क्या बन चुका है, सपोर्ट बन चुका है। तो अगर मंडे के दिन 46,954 तोड़ देता है, देन डेफिनेटली दोस्तों कहीं ना कहीं हम पुट बाय करेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट भी तोड़ देगा और उसके साथ साथ ट्रेंड लाइन भी क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं बाइंग का, तो भाई बाइंग का मैं बात कर नहीं सकता। रीजन क्या है कि यहां पे अगर आप देखोगे, एक सपोर्ट था, मतलब सपोर्ट लिया था मार्केट, पहला टारगेट मेरा अचीव हुआ, ऊपर गया, फिर डॉट यहां पे सपोर्ट लिया और ऊपर गया था, ठीक है यहां पे सपोर्ट लिया था, लेकिन आखिरी टाइम पे क्या हुआ, ये सपोर्ट कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन दे चुका है। तो प्लान भी वही रहेगा, अगर मंडे के दिन फ्लैट खुल जाए, मार्केट ऊपर जाए और यहां से यानी कि 47,187 से 47,231 यहां से अगर मार्केट आपको टर्न अराउंड होता हुआ दिखा, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं पुट के तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। कॉल बाय करना है तो अगर 47,463 के ऊपर जाता है तो ही कॉल बाय करना है, नहीं तो नहीं करना है भाई, उस चक्कर में आप मत पड़िए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं प्लान सी और डी का, तो अगर मंडे के दिन मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, एम पैटर्न बनते ही सेल कीजिए, लोअर लो बनते ही सेल कीजिए, एक रेंज में रह के ब्रेकडाउन करना है सेल कीजिए, सेल ही करना है, सेल 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 ही करना है अगर मंडे के दिन बड़ा गैप अप खुला तो। रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों, गैप अप अगर बड़ा खुलेगा, यहां पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और ये आज के दिन ही क्रिएट हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बायर, और प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा तो मार्केट नीचे ही जाएगा अगर मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुलता है तो, लेकिन देखने के बाद, ठीक है। अगर मार्केट प्लान डी क्या है, अगर मार्केट मंडे के दिन गैप डाउन खुलता है तो सीधी सिंपल सी बात है, यहां से डबल पैटर्न बनते ही बाय, यहां से डबल पैटर्न बनते ही बाय, हायर हाई बनते ही बाय करेंगे अगर मंडे के दिन मार्केट गैप डाउन खुलता है तो। रीजन सिंपल है दोस्तों, यहां पे सपोर्ट है, यहां पे अच्छा खासा सपोर्ट है, यहां पे भी सपोर्ट है, तो नीचे बहुत सारे सपोर्ट जोन अवेलेबल है। अब चले जाते हैं ऑप्शन चेन पे, 47,146 के आसपास क्लोज दिया है बैंक निफ्टी, अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, ये हमारे कॉल राइटर, ये हमारे पुट राइटर, और 47,146 के आसपास क्लोज दिया है, तो 47,200 पे अगर आप देखोगे 407,000 से ज्यादा कहीं ना कहीं कॉल राइटर बैठे हैं, जबकि 47,300 पे 449,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं, तो 47,300 बन जाता है रेजिस्टेंस मंडे के लिए, जहां पे 449,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं, अगर उसके ऊपर जाता है यानी कि 47,300 के ऊपर जाता है तब हमें बाय करना है। नीचे की अगर मैं बात करूं तो 47,000 पे ही अच्छा खासा पुट राइटिंग दिखाई दे रहा है, 941,000, तो 47,000 के नीचे जाता है तभी जाके हमें कहीं ना कहीं पुट के तरफ सोचना है। अब चले जाते हैं दोस्तों निफ्टी पे, निफ्टी की अगर मैं बात करूं, सिंपल रहेगा मंडे के लिए प्लान नंबर ए, अगर मार्केट फ्लैट खुला और 22,268 अगर तोड़ दिया तो यहां से आपको मार्केट डाउन जाता हुआ दिखेगा, यानी कि पुट बाय करेंगे, लेकिन असली जो गेम है यानी कि असली जो डाउन मूव है वो 22,201 के नीचे ही देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, रीजन सिंपल है दोस्तों, आज के दिन अगर आप देखोगे आखिरी टाइम जो डाउन मोमेंट आया है, डॉट कहीं ना कहीं यहां से सपोर्ट लिया है, सपोर्ट क्रिएट करके थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो ये जो डाउन मोमेंट अगर कंटिन्यू होना है मंडे के दिन, तो ये मार्केट आया नीचे, ये पुल बैक दिया ऊपर की तरफ, फिर से कहीं ना कहीं अगर ब्रेक डाउन करता है 22,268, देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम नीचे की तरफ प्लान करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों और एक जो मैंने बताया था कि 22,201 के नीचे आपको अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये ना पहले से रेजिस्टेंस था, आज के दिन खुला
रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, तो ये एक सपोर्ट लेवल है, मेरा वही कहने का मतलब है। तो सपोर्ट टूटा तो वैसे भी और ज्यादा आपको कहीं ना कहीं पेन देखने को मार्केट में मिलेगा। प्लान बी की अगर मैं बात करूं, सिंपल बात है, अगर मार्केट फ्लैट गैप अप खोल के ऊपर जाता है और 22,401 से 424 यहां पे एम पैटर्न क्रिएट करके नीचे गिर जाता है तो हम पुट बाय करेंगे। अगर मंडे के दिन फ्लैट गैप अप खोल के ऊपर जाता है और यहां पे यानी कि 22,426 से 22,404 यहां से अगर एक 15 मिनट का रेड कैंडल बना देता है तो हम सेल करेंगे। यानी कि इस जोन से सेल ही करना है, बाय नहीं करना है, क्योंकि पहले ये सपोर्ट था आज के दिन जहां से सस्टेन होकर ऊपर गया था, आखिर में ये सपोर्ट टूट चुका है तो ऊपर जाएगा तो यहां से डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा क्योंकि वो रेजिस्टेंस बन चुका है। बाकी तो गैप अप और गैप डाउन का व्यू सेम है, जो मैंने बैंकिंग ने बताया सी और डी प्लान वही सेम कॉपी पेस्ट यहां पे मार लीजिए। गैप अप खुला तो करना क्या है और गैप डाउन खुला तो करना क्या है, ठीक है। और सेम रीजन भी है दोस्तों, तो 22,343 के आसपास क्लोज दिया है निफ्टी, अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे और ये ऑप्शन चेन अगले हफ्ते का है, यानी कि आज का तो खत्म हो गया यानी कि अप्रैल का है। तो सीधी बात है दोस्तों, यहां पे अगर आप देखोगे क्लोज दिया है 22,343 पे, तो 22,350 के आसपास आप पकड़ सकते हैं और 22,400 पे ही शुरू हो चुका है कॉल राइटिंग। 944,000 से ज्यादा कहीं ना कहीं कॉल राइटर बैठ चुके हैं दोस्तों 22,400 के लेवल पे और 22,500 के लेवल पे 1,800,000 से ज्यादा कॉल राइटर। तो पहला रेजिस्टेंस है 22,400, ये अगर 22,400 टूटा तो 22,500 तक मार्केट आपको देखने को मिलेगा और 22,500 के ऊपर तो वैसे भी कहीं ना कहीं शॉर्ट्स कवरिंग रिली आ जाएगा। नीचे की अगर मैं बात करूं तो 22,300 पर ही अच्छा खासा नहीं ह्यूज से भी ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। 22,52,000 से ज्यादा पुट राइटर बैठ चुके हैं 22,300 के लेवल पे, तो 22,300 अगर टूटा तो हमें डेफिनेटली डाउनफॉल का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, अब चले जाते हैं भाई थोड़ा सा फिन निफ्टी पे, ठीक है। फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं वो तो आसान है, फिन निफ्टी अगर मार्केट फ्लैट खुला 20,946 तोड़ा तो भाई हम पुट बाय करेंगे। रीजन सिंपल है, आज का जो डाउन मूव दिया यहां से थोड़ा सा रिकवरी किया है, अगर नीचे आना है तो ये टूटते हैं अगेन, ये डाउन मूव कंटिन्यू करेगा, ये जो डाउन मूव है ऊपर की तरफ 21,141 के ऊपर कहीं ना कहीं हमें खरीदना है उससे पहले नहीं। बाकी तो व्यू सेम है, गैप अप और फिर गैप डाउन खुला। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, टेक केयर, बाय एंड सी यू।